सभी अध्यापक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा एक और कक्षा दो के जो रिपोर्ट कार्ड है वो अवसर ऐप के ऊपर आ चुके हैं, और उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है। सिंपल, आपने जैसा कि हम पहले भी वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, पहले की वीडियो में जो अवसर का जो लिंक है जो गूगल क्रोम में खुलता है उस पे आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से हमने बच्चों की असेसमेंट की थी, रीसेट असेसमेंट किया था। तो वहीं से हम बच्चों के रिपोर्ट कार्ड जो है वो डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने का बिल्कुल आसान तरीका है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और फ़ोन में हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों प्रोसीजर आपको बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले लैपटॉप या कंप्यूटर में करके देख लेते हैं, इसके बाद हम फ़ोन में बताएंगे कि फ़ोन में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र खोलना है और अपने यहाँ पे टाइप करना है reports.avsarhry.in। अगर आपने पहले लॉगिन किया है तो ये आर दबाते ही आपका जो वो साइट ओपन हो जाएगी, लिंक आ जाएगा। नहीं तो आप पूरा भी लिख सकते हैं reports.avsarhry.in, reports.avsarhry.in, आप एंटर कर देंगे और आपको ये यहाँ पे लेके जाएगा लॉगिन नाउ। स्कूल में आपने अपना स्कूल का जो यूज़र नेम है वहाँ पे आपने स्कूल कोड डालना है और पासवर्ड में भी सेम रहेगा, तो लॉगिन नाउ पे फिर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन नाउ पे क्लिक करेंगे ये पासवर्ड चेंज के लिए बोलता है हर बार, आप इसको ओके कर देंगे, नहीं करना हमने अभी ये, तो ये आपके सामने एक डैशबोर्ड खुल जाता है। इस डैशबोर्ड में आप यहाँ पे देखेंगे रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट्स के नीचे जो लिखा है स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, इस पे क्लिक करना है आपने। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा, उसमें आपने क्लास सेलेक्ट करनी है, क्लास फर्स्ट या क्लास टू। तो क्लास फर्स्ट इसके अंदर ऑलरेडी होती है सिलेक्टेड, तो सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सभी बच्चों के जो नाम, फादर नेम, मदर नेम, स्कूल कोड के बिल्कुल लास्ट में लिखा है गो टू रिपोर्ट कार्ड। आप चाहे तो एक एक बच्चे का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके एक एक बच्चे का डाउनलोड होगा। अगर आपको डायरेक्ट पूरी क्लास का ही करना है तो आप यहाँ पे देखें लिखा है गेट ऑल स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, इस पर क्लिक कर देंगे। पहले हम एक बच्चे का करके दिखाते हैं, जैसे पहला बच्चा है इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये इसका जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपके सामने आ गया है। आप इसको नीचे जो लिखा है डाउनलोड, डाउनलोड पे क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आपको पूरी क्लास का ही करना है तो आपने वहीं जाना है और गेट ऑल स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड पे क्लिक कर दें। तो ये देखिए आपके सामने अभी 15 के 15 बच्चों के जो रिपोर्ट्स कार्ड आ गए हैं। तो अब आपने क्या करना है, नीचे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो ये सारे के सारे बच्चों के जो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं सो इन फोल्डर में जाके ये रिपोर्ट कार्ड है, ये सभी बच्चों के जो डाउनलोड हो चुके हैं, ये देखिए, ये 15 के 15 बच्चों के जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं वो डाउनलोड हो चुके हैं। आप इनको स्कूल ग्रुप में या एक एक निकाल के बच्चों को आप प्रिंट करवा के भी दे सकते हैं और ऑनलाइन भी आप इनको सेंड कर सकते हैं। तो ये तो प्रोसीजर है, तो ये प्रोसीजर था कि आप हम लैपटॉप पे इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसीजर है वो है मोबाइल का, कि आप मोबाइल पर इसको कैसे ओपन करेंगे उसका हम आपको दिखा देते हैं। अवसर ऐप का जो लिंक है reports.avsarhry.in, इस लिंक पे क्लिक करके आप पहली और दूसरी क्लास के बच्चों के जो रिपोर्ट कार्ड हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं और बच्चों को सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो ये लिंक है ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो के डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं ओपन। नहीं तो आप गूगल क्रोम में जाएंगे, लैपटॉप हो या मोबाइल, गूगल क्रोम खोल के आप वहाँ पर टाइप कर सकते हैं रिपोर्ट्स
डॉट अवसर HRY.in। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन आईडी जो ये मांग लेगा आपकी, लॉगिन नाउ, यहाँ पे क्लिक करना है आपने यूज़र नेम में। और यूज़र नेम में आपको पता ही है, आपके यहाँ पे पहले यूज़र नेम में स्कूल का कोड डालेंगे हम। पासवर्ड सेम डालना है और लॉगिन नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लॉगिन नाउ पे क्लिक करेंगे आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा। सबसे पहले डैशबोर्ड है, दूसरे पे चेंज पासवर्ड। आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना है। नीचे देखें रिपोर्ट्स लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, पहले नंबर पे ही है, इस पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं साइड में स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड आ गया है। और क्लास यहाँ से सिलेक्ट करनी है, क्लास जैसे फर्स्ट है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा सर्च के ऑप्शन में। जैसे ही सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा आप यहाँ पर देखें सब बच्चों के, जो अगर आप एक एक स्टूडेंट का निकालना चाहे तो यहाँ पे एक एक स्टूडेंट का निकाल सकते हैं। और अगर आप पूरी क्लास का डाउनलोड करना चाहें तो गेट ऑल स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सभी बच्चों के जो रिपोर्ट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएंगे। और आप इनको व्हाट्सएप नंबर पे स्टूडेंट के या ग्रुप में या पर्सनली जैसा भी आपको उचित लगे आप सेंड कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। तो ये सभी बच्चों के जो रिपोर्ट्स कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं, और नीचे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरी क्लास के जो रिपोर्ट कार्ड है वो साथ के साथ डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये प्रोसीजर है सभी बच्चों के रिपोर्ट्स कार्ड को डाउनलोड करने का। और यहाँ पर राइट साइड में शेयर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से फिर आप शेयर कॉपी ये क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे या जहाँ पर भी आप शेयर करना चाहें इसको शेयर कर सकते हैं।